हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस वन प्लस आई। हमको लॉग माइनस वन प्लस आई का प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ चीज़ें पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमको क्या मालूम है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई है। तो ये क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर है। अगर इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे। ये बात हमने 11 के अंदर पढ़ रखी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। या अगर हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लॉग के टर्म में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉग यूज हुआ है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमको लॉग की प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि कहीं पर अगर लॉग ये एक्स प्लस आई वाई दिया है तो उसको आप क्या लिखते हो, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखते हो। ऐसे सॉल्व करोगे तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा। और अगर क्या कर दोगे, इसी के अंदर 2n पाई ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस और साइन का पीरियड कितना होता है, 2n पाई होता है। तो इतने के अंदर अगर 2n पाई ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। या ये जो फॉर्मूला है इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, आप सिंपली लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा। देखो ये 1/2 कैसे आया होगा, अगर हम क्या करें यहाँ से इसको ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर रूट था, करने का मतलब इनके पावर में क्या होगा, 1/2। रूट का मतलब 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो 1/2 को, मतलब सॉरी जो भी चीज़ पावर में होती है उसको बाहर फेंक देता है। तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया था और यहाँ पे क्या किया हमने, बाहर नहीं किया। तो ऐसे हो गया प्लस आई। थीटा क्या होता है, आर्गूमेंट होता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रखा है कि थीटा क्या होता है, आर्गूमेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, बस लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहले क्या करते हैं, हम माइनस वन प्लस आई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी डायरेक्टली हम अप्लाई इस फॉर्मूले में नहीं कर सकते। तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। करने का मतलब जो आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई में है उसका पार्ट इधर वाला और इसका पार्ट इधर वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन, रियल पार्ट के बराबर, और आयोटा के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, वन मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई में है। तो आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, वन के बराबर। इसको क्या कर लो, बना लो इक्वेशन नंबर वन, इसको बना लो इक्वेशन नंबर टू, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन करो तो क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला। राइट में क्या मिलेगा, वन माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन मतलब कि टू मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू टू, मतलब आर का वैल्यू कितना मिल गया हमको, रूट टू के बराबर, रूट टू के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, आर का वैल्यू यहाँ और यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज करोगे, आर को नीचे डिवाइड में कर देना है, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना मिलेगा हमको, माइनस वन बाई रूट टू मिलेगा। और अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो साइन थीटा कितना मिलता है, साइन थीटा 1/√2 मिलता है। तो देखो ऐसा थीटा बताओ जहाँ पे साइन थीटा 1/√2 हो और कॉस थीटा -1/√2 हो, कौन सा थीटा होता है, 3π/4। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा 1/√2 और कॉस थीटा -1/√2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हो गया। चलो तो हमको क्या मिल गया, -1 + i इज इक्वल टू, आर का वैल्यू √2, कॉस थीटा की जगह 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की जगह 3π/4 मिल गया। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यूलर्स थ्योरम का यूज करते हैं। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, अगर कहीं पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा दिख रहा है तो उसको क्या लिख सकते हो, ई के पावर आई थीटा लिख सकते हो। कंडीशन क्या है, ये थीटा और ये थीटा बराबर होने चाहिए। ये फॉर्मूला भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रखा है। यहाँ पर देखो ये थीटा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यूलर्स थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, √2, और ये कितना हो गया, ई के पावर आई थीटा की जगह 3π/4, इतना हो गया, ठीक है। चलो इतना मिल गया।
अब क्या करते हैं, लॉग को भी ऐड कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, इनको ये बाहर वाले टर्म को सॉल्व कर लिया, लॉग को साथ में ले चलते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, लॉग माइनस वन प्लस आई सॉल्व करना है। करने का मतलब हम क्या सॉल्व करेंगे, लॉग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारे पास, रूट टू और ई के पावर आई थ्री पाई बाई फोर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, हमको जनरल सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर कहीं पे लॉग एक्स प्लस आई वाई दिख रहा है तो इसको क्या लिखोगे, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखोगे। ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा। और अगर क्या कर लोगे, यहाँ पे टू एन पाई भी ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो फिलहाल हमने क्या करना है, इतना सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेके जनरल सोल्यूशन मिलेगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर टू एन पाई आई ऐड कर लेंगे। आई जो फॉर्मूला हमने लिखा लॉग एक्स प्लस आई वाई, उसके अंदर आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो आई क्या यहाँ पे भी आ जाएगा, टू एन पाई आई मल्टीप्लाई में आ गया। टू एन पाई क्यों आया, क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड टू एन पाई होता है। अब यहाँ पे देखो लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली लॉग रूट टू और क्या प्लस लॉग ई और क्या ई के पावर थ्री पाई बाई फोर। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर को बाहर फेंक देता है, तो क्या हो गया, ये बाहर आ गया। तो इसे चलिए यहीं पे बाहर लिख लेते हैं कि आई थ्री पाई बाई फोर बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पे लॉग ई है और यहाँ पे ई है, लॉग ई टू बेस ई कितना होता है, वन के बराबर। तो ये कितना हो गया, वन के बराबर हो गया। ठीक है, ये वन हो गया, सिंपली कितना बचा, ये इतना बचा और ये टू एन पाई आई अलग से बचा हुआ है। ठीक है, चल तो देखो ये क्या दिख रहा है हमको, लॉग रूट टू और ये क्या दिख रहा है, आई वाई टर्म। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला कि कहीं पे अगर लॉग एक्स प्लस आई वाई दिख रहा है तो उसको क्या लिखोगे आप, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा लिखोगे। ठीक है, आई थीटा लिखोगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लो। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर क्या करोगे टू हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या, वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है जीरो है। जीरो कैसे है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आई के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको वाई मत बोल देना, यहाँ पे ये आई थीटा है, ये आई ये थीटा है, थीटा आर्गुमेंट है, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, ऐसा यूज किया हुआ है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि लॉग एक्स प्लस आई वाई है तो इसको क्या लिखोगे, वन बाई टू, सॉरी ऐसे मत लिखो, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे प्लस आई थीटा लिखोगे। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, इसको वाई मत बोल देना, क्योंकि देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि हम क्या लिखते हैं, हम यही लिखते हैं कि जो भी आई के साथ मल्टीप्लाई में है वो वाई है, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई में ये है, यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई में ये है तो ये वाई हो गया, लेकिन ये वाई नहीं हुआ क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो ये रूट टू हो गया, प्लस जीरो छोड़ो, जीरो को छोड़ दो, प्लस आई और थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ये चीज़ है टू एन पाई, टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर है। ठीक है, पाई दोनों में, तो पाई को कॉमन करके बाहर निकाल लो। ठीक है, चलो पाई बाहर हो गया और इतना बच गया, और देखो ये रूट टू है तो रूट टू का मतलब क्या है, टू के पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू को बाहर कर लो, लॉग क्या कर देता है पावर को बाहर कर देता है, तो ये जो मिल गया यही मिल गया हमको जनरल सोल्यूशन। ठीक है, क्या मिला हमको, लॉग एक्स प्लस आई वाई मत लिखो, जो दिया है वो लिखो, माइनस वन प्लस आई किसके बराबर है, वन बाई टू लॉग टू प्लस आई बाई टू एन प्लस थ्री बाई फोर के बराबर है। अब अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो बस क्या करो, जहाँ पे एन का वैल्यू जीरो रख दो, जहाँ पे भी आपको एन दिख रहे हैं वहाँ पे एन का वैल्यू जीरो रख दो। ठीक है, तो जो भी दिखने वाला है आपको वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिखने वाला है, तो क्या दिखेगा आपको, लॉग माइनस वन प्लस आई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग टू प्लस आई पाई और टू एन की जगह जीरो रखोगे वो खत्म हो गया थ्री बाई फोर। ये क्या मिल गया हमको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, नोट करो।